हल करेंगे, हम अपने इश्यूज को हल करेंगे, हम अपने तरक्याती काम अपने महलों में, अपनी बस्तियों में, अपनी आबादियों में कराएंगे। नौजवानों, मैं तुमको पैगाम देने आया हूँ, नौजवानों, मैं तुमको मुतहिद करने आया हूँ, नौजवानों, मैं तुमको कहने आया हूँ, हिंदुस्तान की सियासत में तुमको आगे बढ़ना है और अपनी जमात के परचम को लेकर तुमको आगे बढ़ना है। नौजवानों, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि आसाम की सरजमीन पर शौकत अली को जो मारा गया, पीटा गया, उससे अपने हिम्मतों को पस्त होने मत दो, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखो। नौजवानों, यकीनन मेरा दिल भी मेरा जमीर भी मुझसे सवाल करता है कि कैसे आजाद हिंदुस्तान में, आसाम में 70 साल एक शौकत अली को जो बरसों से गोश्त बेचता है, उसको रोक कर कीचड़ में डालकर मारकर उससे पूछा जाता है कि बता क्या तू बांग्लादेशी है। उस 70 साल बूढ़े के मुंह में सुअर का गोश्त डालकर उससे जबरदस्ती उसे चबाया जाता है और उसको मारा और पीटा जाता है। यकीनन मैंने भी अपने आप को शौकत अली के उस मुकाम पर अपने आप को डालकर महसूस किया। अगर शौकत अली की जरा असदुद्दीन ओवैसी होता तो क्या होता? तो मेरा जमीर, मेरा दिल, मेरा जिस्म मुझसे पुकार कर कहा कहता है कि अगर शौकत अली की जरा अगर असदुद्दीन ओवैसी से शुरू किया जाता तो शायद असदुद्दीन ओवैसी मौत को पसंद करना, नफरत समझना। आज ये हाल हमारे मुल्क में हो चुका। मैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, किसने शौकत अली के जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई? क्या आसाम से आवाज उठी? क्या दिल्ली से उठी? क्या बेंगलुरु से उठी? क्या कर्नाटक से उठी? किस जमात ने उठाया आवाज को? तो हैदराबाद से मल्ले सत्यनाथ मुस्लिम ने शौकत अली के जुर्म के खिलाफ आवाज उठाया। मेरे आसाम के हमारे दोस्तों ने मुझसे कहा कि सत्साह आपकी खिदमत के तकरीर में उस क्लिप को हमने पूरे आसाम में फैलाया और लोगों को हिम्मत दिलाई, जोश दिलाया। ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है मेरे भाई कि अल्लाह सुभान व तआला ने मेरी ज़बान पर वो अल्फाज अदा करने का मौका अदा किया। नौजवानों, ये वाकयात होते रहे, ये वाकयात होते रहे। अब तो हद ही हो गई मेरे भाई कि हिंदुस्तान के हमारे पापा कौम गांधी को भी आज लोग उंगलियां उठा रहे हैं, जिसको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। महात्मा गांधी के मारने वाले कातिल को गोडसे की तारीफ की जाती है। यह बात बिल्कुल सच है कि हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट कौन था? आजादी मिलने के बाद हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट, उसका नाम नाथूराम गोडसे था। आज वो नाथूराम गोडसे जिसने गांधी के सीने में गोलियां मारी, उस कातिल को कहा जाता है कि देशभक्त है। और हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहता है, क्या कहता है कि मैं प्रज्ञा को माफ नहीं करूंगा। मिस्टर मोदी, माफ करने की बात नहीं है। क्या तुम गोडसे को टेररिस्ट मानते नहीं मानते? बताओ मोदी, क्या तुम इस बात को नहीं मानते कि महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कपूर के नाम से कमीशन इंक्वायरी बना, कपूर कमीशन की इंक्वायरी में बात साबित हुई कि सावरकर भी गांधी के कत्ल में साजिश हुआ में था। क्या उस सावरकर की तस्वीर मोदी तुम्हारे दफ्तर में लगी भी नहीं है, जिस पर महात्मा गांधी के कत्ल के 10 बरसी का इल्जाम है? क्या उस सावरकर की तस्वीर अमित शाह के घर में नहीं लगी है? अरे तुम किसके सामने आकर नाटक रख रहे हो? तुम किसके सामने आकर मगरमच्छ की आंसू बहा रहे हो? याद रखो, ये बीजेपी आरएसएस हमेशा गोडसे की तारीफ करती रही है। इनको हम जानते हैं, इनकी तारीफ को, इनके तमाम आइडियोलॉजी को पढ़िए, आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में गाय के नाम पर कई लोगों को मारा गया, इखलाक की मौत हुई। पीलू खान को मारा गया, रकबर खान को मारा गया, अरे अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, इतने वाकयात हो गए मगर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि यह एक बल्दिया का इलेक्शन है, ये असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है। कम से कम बसपा कल्याण के मेरे भैया नौजवानों, अपनी जमात से वाबस्ता होकर अपनी पार्टी को कामयाब करो, अपनी पार्टी को कामयाब करो, ताकि तुम्हारा इतिहास तुम्हारी ताकत की पहचान बन जाएगा। यहां से मजलिस के बीच अराकीन बल्दिया की कामयाबी, जिसमें हमारे दलित भाई भी है, वो पैगाम देंगे कि देखो ये होता है वंचित बहुजन समाज का इतिहास। इस इतिहास की कामयाबी के लिए, अपनी ताकत की कामयाबी के लिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं कि आप अपना एक तौर मजलिस के उम्मीदवारों के हमने इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी, ये पुरानी पार्टी जो हमेशा से हमको धोखा देती आई है, मैं इनके साथ था 1998 से लेकर 2012 तक, मैं इनके साथ था 14 साल। उस वक्त आंध्र की असेंबली में मैं इनके साथ था, यूपीए बनी मैं इनके साथ था, जब न्यू डील के ऊपर
नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, मैंने उनका साथ दिया और साथ देने के बाद हमको क्या मिला, फसादात मिले, जेल की सोबतें मिली। झूठे इल्जामात में अकबरुद्दीन अवैसी को जेल में डाल दिया गया। मेरे भाई, इनको करीब रहकर मैं जानता हूं। यही कर्नाटका के असेंबली के इंतखाबात हुए, उस वक्त मुझ पर इल्जाम लगा दिया गया कि अगर मजलिस इलेक्शन लड़ेगी तो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा। मैंने फैसला लिया कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारे कर्नाटका के सदर उस्मान गनी को मैंने बुलाकर बात किया, हमने फैसला किया कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस वाले बोले कि ओवैसी को अपनी शिकस्त नजर आ रही थी, इसलिए वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिए। मैंने कहा देखो अब क्या होता है। उसके बाद मजलिस ने फैसला किया कि हम जनाब देवे गौड़ा की तारीफ करेंगे। तो कांग्रेस वाले बोले कि देखो ये फिर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहता। ये कांग्रेस पार्टी का हाल ऐसा है कि जब हम देवे गौड़ा साहब की तारीफ करें, हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को ऐसा तारीफ, कुमार स्वामी के रास्ते जाके जलसे करो आप, हम गए जलसे किए। मैं उस वक्त कह रहा था कि कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आपको मालूम होगा कि कर्नाटका के बड़े बड़े अखबार, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर मेरे इस बात पर तंज कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि देखो एक हैदराबाद से एक दीवाना आया है, शेरवानी पहनकर कह रहा है कि कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बनेगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला जमीन आसमान का मालिक अल्लाह है, जब खालिक फैसला करेगा तो मखलूक क्या करेगी। हमने अल्लाह से दुआ की, भीख मांगी, अल्लाह का करम है कि वो कुमार स्वामी जिसके पास सिर्फ 50 के 50 एमएलए नहीं थे, कांग्रेस पार्टी 120 से 80 एमएलए नहीं दी थी और दौड़कर उनका कहना पड़ा आओ कुमार स्वामी गद्दी पर बैठ जाओ हम तुम्हारे साथ। कांग्रेस पार्टी हमेशा बोलती कि मजलिस को काटने को आ रही। मैं अपने वालिद मरहूम सालार मिल्लत, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भरे, सालार मिल्लत ने बड़ी खिदमत दी, अपनी जिंदगी का हर लम्हा मजलिस के लिए गुजार दिया। मुझे मरहूम खालिद की तकरीर का जुमला याद आ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी बोलती है हमेशा कि मजलिस वोट काटने को आई है। अरे वोट काटने को आते तो फिर कुमार स्वामी को तुम क्यों तारीफ किए। तेलंगाना में हम टीआरएस की तारीफ किए, असेंबली इलेक्शन में राहुल गांधी मेरे हल्के में आए, चार मीनार के सामने खड़े होकर राहुल गांधी बोल रहे कि ओवैसी सी टीम है। मैंने कहा राहुल गांधी ये जो इमारत जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो मेरे अब्बा की निशानी है और अब्बा की निशानी के सामने आप बेटे को कुछ नहीं बोल सकते। क्या नतीजा निकला, किसने हराया तेलंगाना में बीजेपी को, इनके 5 एमएलए थे 1 एमएलए हो गया, 100 सीट पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई। किसने कराया, कांग्रेस ने कराया, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कराया, पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, फिर कांग्रेस वाले आगे देखो ये मजलिस और टीआरएस मिलकर बीजेपी का साथ देगी। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जब नतीजा आएगा 23 तारीख को, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अगर कांग्रेस पार्टी इंसान लगाती सालार अपनी तकरीर में वाकया सुनाए थे किसी और चीज को बयान करते हुए, एक घर में मियां बीवी रहते थे तो बीवी जो है हमेशा शिकायत करते थे अपने शौहर से, अरे तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, अभी बेचारे खामोश रहते थे। हमारे जितने मुस्लिम माशरे में उल्टा मामला है, हम लोग बाहर भड़काऊ भाषण देते, घर में जाके बीवी के सामने बिल्ली बन जाते, बाहर सब बोलते मोदी को, घर में कहते बोल जहां ज्ञान नहीं, तो खैर वैसे ही था मामला वहां पर, तो बेचारे वो साफ होते हो गए, बोलते नहीं तुम ये नहीं कर रहे तो भाई खराब है। आखिर में उनकी बीवी बोलते सर तुम उड़के दिखा सकते, तुम बोले कल रात में तुम नहीं देखे, घर के सामने दौड़ के जा रहा था वही था, तो बीवी बोले अच्छा इस वक्त तुम तेरा उड़ रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी का भी हाल यही, हर चीज उनको तेरी नजर आ, उनका मकसद क्या है कि हमारे साथ आके गुलामी करो, तुम हमारे को अपना बड़ा मानो, हम उनको बड़ा नहीं मान सकते। मैं जब तक जिंदा हूं मैं बराबरी की बात करूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी को ऊपर रखे अपने आप को नीचे रखे नहीं बात कर सकता, मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। कल जब नतीजे आएंगे पार्लियामेंट इलेक्शन के तो मैं हर किसी बात को मानने को तैयार नहीं हूं, बराबरी की बात होगी, बराबरी की बात होगी, शराकतदारी की बात होगी, मसाइल की बात होगी। वो क्या जमाना कि हम बड़े हैं, हम फुला हैं, हम खानदान के हैं, खानदान के रहे, कोई खानदान खानदान चलने वाला नहीं है। ये 2019 का हिंदुस्तान है, जो लोग मेहनत करेंगे, जो आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे, जो नौजवानों के दिलों में तूफान को समझेंगे और उसको हल करने की उनको थमाने की कोशिश करेंगे, आवाम उसका साथ देने को तैयार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम मंदिर सत्याद मुस्लिम करना चाहती
और इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान के लिए पार्लियामेंट चुनाव में नरेंद्र मोदी साहब को आप देखे, मिस्टर मोदी को कल चले गए आप, गए तो गए, उनका अकीदा हमको कोई इतराज नहीं। हमारे हिंदू भाई चार धाम बड़ी उनके लिए अकीदत की जगह है, मगर हम ये पूछना चाह रहे कि भाई साहब आप पूजा कर रहे हैं तो नीचे जो है फोटोग्राफर बैठ के फोटो ले रहा मोदी, हम लोग क्या होगा चाहिए। अच्छा आप तपस्या कर रहे हैं, करो आप बन करके बैठे आप वो पूरा पहन के, ये आईना क्यों मैंने पूछा, तपस्या कर आईना क्यों पहनना। तो किसी ने बोला नहीं आप अच्छे दिखते आईना खेलना है, क्या है ये, क्या है आपकी इबादत नहीं कर रहे हो, आप गुफा में जा रहे तो क्या बना फोटो। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का मामला ऐसा है कि उनको नौकरियों की फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं, खाली कैमरा कहा है वहां उनका पूछ जाता हूं जहां कैमरा मैं चलो मेरी फोटो लो मेरी फोटो लो जैसा बच्चे बोलते रहे फिल्म फिल्म उनका भी हाल वैसी है। अरे नौजवान बच्चे आप प्राइम मिनिस्टर है, इनके दौर इख्तदार ने गाय के नाम पर कितने दलितों को और मुस्लिम अकलियतों को मारा और पीटा गया। मेरे भाई महात्मा गांधी को मारने वाले को देशभर कहने वाले को पड़ गया, उस पर एक मुकदमा बुक नहीं होता। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं अगर वो बात जो प्रज्ञा ने गई अगर मैं वो बात बोल देता तो क्या करते ये लोग, हैदराबाद को पुलिस भिजाते मुझे अरेस्ट करने के लिए, जेल में डाल देते मुझे अभी तक, मुख्तलिफ जगहों पर केसेस बुक कर देते, मगर प्रज्ञा है, इनकी बहन है, इनकी बेटी है, इनकी सखी है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे। ये इनकी नाइंसाफ, यही तो बेजाई है, यही तो कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, देखो ये नाइंसाफी है। 2016 में फसाद हुआ, कथों में मोदी जी खोली गए, धन क्यों नहीं करते आप, आपकी सरकार है ना, धन करो, असेंबली कलेक्शन आया तो धोली भाषा क्यों कर लीजिए, पार्लियामेंट कलेक्शन आया वोट लीजिए, मोदी जी बंद नहीं करेंगे। मेरे भाई इसीलिए आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है, लीडरशिप कैसे बनेगी, कोई आसमान से गिरने वाला नहीं है, जमीन से निकलने वाला नहीं है, आपको बनाना है, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करता है। यही जन गुजारिश आप, मैं आपसे करने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला बल्दी इलेक्शन में कामयाबी के बाद मैं दोबारा आऊंगा आपसे ज्यादा तशक्कुर करने के लिए और एक तफसीली आपसे खिताब करूंगा, आपसे बात करूंगा। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के 20 उम्मीदवारों को आप कामयाब करें, निशान क्या होगा वो मत देखिए, मैं आपके लिए आपका निशान हूं जो हिंदुस्तान में आपकी नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी जमान को अपनी पहचान समझकर अपने उम्मीदवारों को कामयाब करिए। शुक्रिया।